आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश सरकार के सत्र 2024-25 के बजट के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जो बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है। ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में अनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब ने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी।